गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मिश्रा, आज आपके सामने चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं आज जो आपको समझाने वाला हूं वह ज्योग्राफी का पार्ट है। जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि मोशन ऑफ द अर्थ, बेसिकली अर्थ के दो महत्वपूर्ण मोशन होते हैं जो अर्थ पर होते हैं, जो अर्थ द्वारा किए जाते हैं। उन मोशन के नाम है, पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। कल मैंने आपको रोटेशन के बारे में बहुत ही विस्तृत समझाया था, विस्तृत उसमें चर्चा की थी, आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी। आपको बताया था रोटेशन जो होता है वहां अपनी एक्सिस पर अर्थ का चारों ओर घूमना ही कहलाता है रोटेशन। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे रिवोल्यूशन की, यानी दूसरे महत्वपूर्ण मोशन की जो पृथ्वी द्वारा की जाती है। आज हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं उस मोशन का बहुत बड़ा महत्व है, और वह क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या इफेक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की। रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन शब्द रिवॉल्व से जुड़ा हुआ है, यानी चारों तरफ घूमने से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी कभी भी यह दोनों मोशन नहीं छोड़ती है, या दोनों मोशन कालांतर से यानी लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता चला आ रहेगा जब तक पृथ्वी का एक्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व है। यानी जो मोशन है, पहला वाला अपनी एक्सिस पर चारों ओर अपनी एक्सिस पर चारों ओर घूमना पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाना, ये तो चलता ही रहता है, चारों ओर घूमते रहना, और इसी घूमते हुए रहते एक और मोशन करती है पृथ्वी जिसका नाम रिवोल्यूशन है, और वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। यानी रिवोल्यूशन वह मूवमेंट है जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है घूमते हुए, यानी रोटेशन करते हुए। और अच्छा समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ रहे हैं कि बीच में सूरज है और सूरज के चारों, सूरज प्रकाशमान है, सूरज के चारों स्थिर है, सूरज के चारों ओर एक बहुत बड़ा त्रिवृत्त का कक्षा, एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में एक रिवोल्यूशन पूरा पृथ्वी घूमते हुए कंप्लीट करती है, चारों ओर एक परिभ्रमण करती है, पूरा चारों ओर करती है घूमते हुए, रिवोल्व करती है, और इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। जो इसका टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है, 1 ईयर, एक वर्ष का समय लगता है। यह एक साल का समय लगना रिवोल्यूशन का एनुअल मोशन का रहता है। यानी आपके सामने यदि प्रश्न आए व्हाट इज एनुअल मोशन, तो आप कह सकते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एनुअल मोशन। रिवोल्यूशन को हम लोग एनुअल मोशन कहते हैं क्योंकि यह साल में एक बार होने वाला मोशन है पृथ्वी द्वारा। पृथ्वी द्वारा एक साल में कंप्लीट किया जाता है इस मोशन को, इसी वजह से इस मोशन को हम लोग एनुअल मोशन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको कंप्लीट करने में लगभग 365 दिन, यहां देख लीजिएगा 365 दिन 5 घंटे 5 आवर्स, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, ये काउंट कर लीजिएगा। साइंटिस्ट ने काउंट किया तो पता लगाया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड के आसपास का समय लग जाता है। यह समय एक्यूरेट निकालने के लिए, एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए साइंटिस्ट ने इस समय को एक मानक दे दिया और कहा यह 365 दिन केवल बताया गया है, यानी साल का 1 ईयर का जो टाइम होगा 365 दिन होगा, यानी यह 1 ईयर कहलाएगा। अब यह 1 ईयर 365 दिन का कहलाएगा, यह एक एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए कहा गया, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट
56 सेकंड का समय बर्बाद न जाए इस कारण से उसको 4 साल तक जोड़ा जाता है। अप्रोक्सीमेटली उसको लगभग 6 घंटे का समय मान लिया जाता है और 6 घंटे को 4 साल का लगभग समय लिया जाता है 4 इयर्स के आसपास का और यह 4 इयर्स 4 साल का 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है और 24 घंटे में यह 6 घंटा 4 बार में यानी 4 हर रिवॉल्यूशन के साथ 6 घंटे का कन्वर्जन होता रहता है और चौथा साल या 6 घंटा 1 दिन के बराबर हो जाता है यानी 24 घंटा इक्वल टू 1 डे। हमको पता है कि 1 दिन में लगभग 24 घंटे के आसपास का समय होता है तो यह 24 घंटा हर चौथे साल पे उस साल के 1 माह में जुड़ जाता है और उस माह का नाम फरवरी है यानी फेब के मंथ में यह जो 1 दिन है वह ऐड हो जाता है। फेब का महीना नॉर्मली 28 डेज का होता है लेकिन उस साल जिस साल यह ऐड होता है वह 29 डेज का हो जाता है और यह फेब का महीना जो 29 डेज का होता है उसे हम सामान्य रूप से लीप ईयर के नाम से जानते हैं। लीप ईयर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जो हर चौथे साल यह 1 दिन का जुड़ जाता है और तब वह 366 दिन का साल होता है। इस प्रकार से पृथ्वी का रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो पृथ्वी द्वारा किया जाता है और यह पृथ्वी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण 2 मोशन में से एक आता है जिसका नाम रिवॉल्यूशन है। सामान्य रूप से इस रिवॉल्यूशन का मुख्य कारण सूरज के द्वारा खींचे गए एक ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही होता है जिस कारण उस इतना पावरफुल ग्रेविटेशन फोर्स है जिसके कारण सभी ग्रह उससे चिपके हुए पक्ष में है और उसी पक्ष में लगातार मोशन करते रहते हैं। यह मोशन कंटिन्यूअस होता रहता है। इस तरीके से यह सारा रिवॉल्यूशन इतना ही महत्वपूर्ण है और ऐसे यह काम करता है। अब आपको सामान्य और शब्दों में रिवॉल्यूशन के मैं आपको इफेक्ट समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये है इससे डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट के ड्यूरेशन में काफी डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे हम लोग ठंड की ओर बढ़ रहे हैं यानी महीना सितंबर का ये चल रहा है, 1-2 महीने बाद जब ठंड का मौसम आ जाएगा यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, तो आपको यह दिखाई देगा कि जो दिन का समय है वह कम होता चला जा रहा है। दिन का समय लगभग 10 घंटे के या 9 घंटे के आसपास का हो जाएगा और बाकी का समय जो 14 घंटा 15 घंटे का समय है वो लगभग रात हो जाएगी, रात जल्दी होगी दिन छोटा होगा। ठीक वैसे ही जब पृथ्वी आगे बढ़ती जाएगी मार्च अप्रैल मई जून से तो दिन का समय बहुत लंबा होगा और रातें बहुत छोटी हो जाएंगी। यह एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा इफेक्ट है रिवॉल्यूशन की वजह से। और भी जो हमारे सरफेस पे जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हमेशा एक जैसा हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वह रिवॉल्यूशन के कारण ही हो पाता है यानी हर पृथ्वी के सतह पर अलग समय में अलग अलग तरह की ऊष्मा पहुंच पाती है सूरज की। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है उस रिवॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा साइकिल ऑफ सीजन, मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में बदलाव होता है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो रिवॉल्यूशन का होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि साइकिल ऑफ सीजन यानी मौसम में विशेष रूप से परिवर्तन रिवॉल्यूशन के कारण ही हो पाता है। चेंज इन सीजन द मेजर इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है रिवॉल्यूशन के विषय में कि अगर रिवॉल्यूशन नहीं होता या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण नहीं करती तो सीजन में बदलाव नहीं हो पाता।
विश्वास है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप लोग समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे और टॉपिक को अपने बुक से भी पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। विश्वास रखता हूँ कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा।